Hello friends, welcome to the Interesting Chemistry. Interesting Chemistry में आपका स्वागत है। Interesting Chemistry में जो वीडियो आप देखेंगे, ये वीडियो बिल्कुल आपको ऐसे मिलेंगे जैसे आप कक्षा के अंदर अध्ययन कर रहे हैं। रात को, दिन में, जिस समय आप चाहें वीडियो को ऑन करें, आप ऐसा अनुभव करेंगे कि जैसे मैं कक्षा में बैठा हूं और कुछ न कुछ पढ़ाई कर रहा हूं, सीख रहा हूं, ऐसा मेरा वीडियो है। तो इससे पहले वाले अभी जो मैं जो टॉपिक बता रहा हूं वो रिडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, और रिडॉक्स अभिक्रियाओं के अंदर मैंने पहले इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया उसमें मैंने पूर्व धारणा यानी प्राचीन धारणा बताई, और उसमें केवल यही बताया था कि ऑक्सीजन जब किसी तत्व से क्रिया करती है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन को यदि किसी ऑक्साइड से पृथक कर लिया जाता है तो अपचयन, और फिर बाद में ऑक्सीजन की जो नेचर है, प्रवृत्ति है, वो ऋणात्मक है। इसलिए इस ऋणात्मक प्रवृत्ति को जनरलाइज करते हुए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे जोर दिया। इसलिए फिर ये कहा कि ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा ऋणात्मक भाग का, ऋणात्मक मूलकों का किसी यौगिक में जुड़ना, तत्व में जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके विपरीत यदि ऑक्सीजन अथवा ऋणात्मक तत्वों का पृथक होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और फिर इसी तरह से यदि हाइड्रोजन अथवा ऋणात्मक भागों का जुड़ना है तो क्या होगा, अपचयन, और उनका पृथक होना है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ये मैंने प्राचीन विधि में बताया। आज मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। फिर लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि जहां पर ऑक्सीकरण होता है वहां पर अपचयन होता है, और जहां पर अपचयन होता है वहीं ऑक्सीकरण होता है। इसलिए ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात एक दूसरे के विपरीत है। तो यहां पर ये कहा जाता है कि आप किसी अभिक्रिया को लेकर के बताइए कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत है, और प्रत्येक क्रिया में ये ऑक्सीकरण अपचयन होता है, अर्थात जहां पर ऑक्सीकरण है वहां पर अपचयन होता है। इसके लिए मैंने कल भी आपको एक उदाहरण बताया था और आज भी वही उदाहरण बता देता हूं। और ये उदाहरण जब भी आपको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया आपको बताई जाएंगी उस समय आप इस उदाहरण को ले, ये एक आइकॉनिक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण बताया मैंने, Hg डबल पॉजिटिव प्लस, सॉरी इसको मैं उसके भाग से लिखता हूं, HgCl2 प्लस SnCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड, यानी कि जब स्टेनस क्लोराइड में मर्क्यूरी क्लोराइड डाला जाता है, दोनों को अभिक्रिया की जाती है, तो दो लेकर के यहाँ ये हल्का सा स्लेटी रंग का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, Hg2Cl2 प्लस SnCl4। इसमें हम SnCl2 को जब देखते हैं तो इसको ये क्लोरीन ऋणात्मक भाग की वृद्धि होती है, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण है, ये तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण लिख सकते हैं यहां पर ऑक्सीकरण, और उसके बाद में यहां पर धनात्मक भाग में वृद्धि है, इसलिए ये क्या चीज है, अपचयन है। और इस क्रिया को लेकर के आप ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को समझा सकते हैं। फिर हम इसको क्या है, इस तरह से देखते हैं यहां पर कि ये HgCl2 है वो इस प्रकार से है, Hg+ और प्लस यहां पर ये SN जो है वो डबल पॉजिटिव है, और फिर यहां ये Hg2 है, Hg2 डबल पॉजिटिव करेंगे, ये इसका मतलब ये होता है कि Hg और Hg दोनों जुड़े रहते हैं, मर्क्यूरस और इसमें मेटलिक बॉन्ड यहां पर एक बन जाता है HgHg का, इसलिए Hg2 इसको इसी तरह से लिखा जाता है, प्लस SnCl, SN में यहां 4 पॉजिटिव आ गए। ये आपको
अब इस तरह से जब इसको आयंस का चार्ज यहां पर प्लस चार्ज यानी कि अब हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये सिर्फ डबल पॉजिटिव से फोर पॉजिटिव हो गया, ये कैसे हो सकता है? डबल पॉजिटिव से फोर पॉजिटिव कैसे हो गया? इसका मतलब ये तो ऑक्सीकरण जो है वो तो इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। इलेक्ट्रॉन खो देता है, यानी कि ये SN ने दो इलेक्ट्रॉन खो दिए होंगे और यहाँ HG ने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, ग्रहण कर लिए होंगे। तो ऐसा इससे अपने को एक ये ऐसी क्या है, संभावना मिलती है कि अभिक्रियाएं जो होती है वो तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होती है। अतः हम इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को नए रूप से समझने के लिए, नया जो इसकी धारणा है उससे समझने के लिए ये अभिक्रिया अपने को सहायता कर रही है। इसलिए अपने को ये इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान क्रिया बताते हैं। इस इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान अभिक्रिया क्या तो बिल्कुल ही सरल हो गया कि जहां पर इलेक्ट्रॉन का त्याग है वहां पर ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण। और अब ये आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। तो पूरा जब इसके अंदर लिखे किसी तत्व का परमाणु जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऑक्सीकरण है, और इसके विपरीत अपचयन, तो इसका विपरीत हो गया ना। तो जब अपचयन होगा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ग्रहण करना, ग्रहण करना यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, उसको क्या कहा जाता है, अपचयन। अब आप इसको अपने परिभाषा के किसी तत्व का परमाणु यानी कि जब अब आप इसको परिभाषित जब करेंगे तो परमाणु अथवा आयन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो वो सॉरी इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन का उनमें से लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन को वो प्रदान करते हैं तो फिर को उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। फिर मैं दोबारा ऑक्सीकरण इस इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान धारणा के अनुसार ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें किसी तत्व का परमाणु अथवा कोई आयन अथवा कोई आयन, जैसे आयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉलीएटॉमिक एक तो मोनोएटॉमिक और एक पॉलीएटॉमिक यानी कि एकल परमाणुवीय या बहुपरमाणुवीय हो सकते हैं। तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जब कि ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई किसी तत्व का परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, धन आवेश आ जाता है, उस पर धन आवेश में वृद्धि हो रही है तो उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। और इसके विपरीत अपचयन वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी परमाणु का किसी तत्व का परमाणु अथवा आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आधुनिक धारणा जो है वो आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन। अब अपने को क्या पता लगा, अपने क्रिया लेते हैं कि यहां थोड़ा सा इसका इतिहास आते हैं कि मान लो ये Na है और ये Cl2 है, 2NaCl2 और इसने 2NaCl किया, 2NaCl किया। तो इसका अपने को इस धारणा का पता कैसे लगा, कहां से इसका अपने को पता लगा कि जब अपने NaCl का अध्ययन करते हैं तो ये तो एक आयनिक यौगिक है,
NaCl एक आयनिक यौगिक है और NaCl में सोडियम हमेशा Na पॉजिटिव में पाया जाता है और Cl हमेशा किस में पाया जाता है, नेगेटिव होता है। अर्थात Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होते हैं तो यहां से हमने ये अनुमान लगाया कि सोडियम तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो सोडियम यहाँ सोडियम ने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, यहाँ इसने वन इलेक्ट्रॉन त्यागा। अब क्या होगा, सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सीएल ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ये सीएल का क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसलिए इस क्रिया को हम दो भागों में बांट देते हैं। इस क्रिया को कितने भागों में बांट देते हैं, ये प्रथम भाग, प्रथम भाग और प्रथम भाग जहां पर कि इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, इस भाग को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। और दूसरे जो भाग को कहेंगे, द्वितीय भाग को जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, उस भाग को क्या कहा जाता है, अपचयन कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, अपचयन कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं दो दो। अब यहां पर भी आप उस बात को समझा सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि इस ये अभी किया देगी NaCl2 = 2NaCl। सिद्ध कीजिए कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं एक साथ होती हैं। इसमें ये सिद्ध करो कि ये अभिक्रिया एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया आपको दे दे, सिद्ध करो कि ये अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया है। अब मान लो आपको प्रश्न आ जाता है, कोई भी अभिक्रिया, कोई भी समीकरण आपको दे दे और फिर ये नीचे लिख दे, सिद्ध करो कि ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। इसका मतलब उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्या हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या सोडियम हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और ये अपचयन हो रहा है, इसलिए ये एक अभिक्रिया एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। अब मैं आपको ये कह दिया मैंने कि मैग्नीशियम Mg+F2 = MgF2। सिद्ध करो कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। सिद्ध करो, रिडॉक्स रिएक्शन से आपको समझना चाहिए कि इस अभिक्रिया में रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है। ये नाम का मैंने कल बताया पहले वीडियो में कि रिडॉक्स क्या होता है, रेड वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इकट्ठा, अर्थात वैसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, उन अभिक्रियाओं को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को सिद्ध करके बताओ, तो इसको हम दो भागों में स्प्लिट कर देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं कि ये मैग्नीशियम क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव आयन बन जाता है। इसलिए मैग्नीशियम, इसी अभिक्रिया में मैग्नीशियम द्वारा जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो ये ऑक्सीकरण है। तो ये क्या चीज है, ऑक्सीकरण है। और दूसरा फ्लोरीन है, ये F2 है, ये फ्लोरीन है, ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी और ये 2F नेगेटिव बन जाएगा, 2F नेगेटिव बन गया। इस प्रकार से मैग्नीशियम क्या करता है कि ये मैग्नीशियम और ये F और ये पॉजिटिव और ये यहां पर आप F नेगेटिव और यहां पर आप F नेगेटिव और इन दोनों में इंटरेक्शन में आकर्षण हो जाता है। इस प्रकार से ये आयनिक बंध बनता है। अतः ये अभिक्रिया क्या चीज कहलाती है, अपचयन, और ये क्या चीज कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। अब मैं आपको कहता हूं, अब मैं दो उदाहरण देता हूं आपको कि मान लो अब आपको कुछ क्रियाएं दे दी जाती है, कुछ
क्रियाएं दे दी जाती हैं, और आपको जैसे न्यू टाइप ने कह दिया कि कोई क्रियाएं दे दी, ये बता दिया मैंने कि किस प्रकार से, जैसे आपको कुछ क्रियाएं दी कि ये कह दिया कि 2Cl नेगेटिव से और ये Cl2 बन गया, 2Cl नेगेटिव से 2Cl2 बन गया, तो अब आप इसको कैसे बताएंगे? तो यहां से आप सोचेंगे इस बात को कि Cl से Cl2 बन गया है, तो इसका जो आवेश था ये कहां चला गया, इसका आवेश, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, दो इलेक्ट्रॉन त्यागी होंगे, माइनस दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए होंगे, तो इसके ये क्या होता है, ऑक्सीकरण हो जाएगा यहां पर, ऑक्सीकरण, ये क्या चीज है, ऑक्सीकरण। और इसके विपरीत यदि मैं ऐसे लिख दूं Cl2 और ये 2Cl नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, तो यहां इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, प्लस दो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे आप, और यहां पर ये क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं मैं आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, और उनमें से आपको समझाऊंगा कि कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण है, कौन सी क्रिया अपचयन है, ये आप उसमें भली भांति समझें। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को हल करना है, जितने भी क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 मैंने इक्वेशन सॉल्व की हैं, और आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि आप में से इनको सिलेक्ट करो कि कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण है और कौन सी अपचयन है। इन क्रिया को समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पर चार्ट बनाने की कोशिश की है कि मान लो किसी के ऊपर कोई जीरो होता है, उसके स्टेट यदि जीरो है, जीरो से यदि इसके ऊपर माइनस आवेश बढ़ता चला जाएगा, इधर जाएंगे, तो ये अपचयन है, अपचयन, और यदि ये इधर जाएंगे तो ये क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, जीरो से, जीरो से माइनस वन, माइनस टू, जैसे ही माइनस टू से माइनस थ्री जाएंगे तो ऑक्सीकरण, माइनस थ्री से माइनस फोर जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, कहनी सॉरी अपचयन होगा, माइनस वन से माइनस टू जाएंगे तो क्या होगा, अपचयन, माइनस टू से माइनस थ्री जाएंगे तो क्या होगा, अपचयन इधर, और इसी तरह से यहां प्लस वन से प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर जाएंगे तो ये इस प्रकार से ये ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। और अब मैं आपको ये बताता हूं बीजगणितीय आधार पर यदि आप इधर से इधर जाएंगे, सॉरी थोड़ा लाइन नीचे बना देता हूं, यहां ये इस तरह से जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, इस साइड में जाएंगे, बीजगणितीय आधार पर यहां से यदि ये जाते हैं तो ये ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा, और यदि आप इधर से इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो ये अपचयन होगा, अपचयन होगा, ये ध्यान रखिएगा, बीजगणितीय आधार पर, अर्थात माइनस चार से माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, प्लस, इधर आवेश में क्या चीज होती है कि वृद्धि हो रही है, आवेश में वृद्धि हो रही है, आवेश में वृद्धि हो रही है, अब आवेश में क्या है कि ये इस तरह से माइनस चार से माइनस तीन, माइनस दो, ये बीजगणित के आधार पर माइनस चार से माइनस तीन हो जाएगा, माइनस दो, यानी कि धन आवेश में वृद्धि हो रही है, धन आवेश में, यानी माइनस तीन से माइनस कुछ बढ़ा, फिर बढ़ा धन आवेश में, और ऋण आवेश में, यहाँ ऋण आवेश में कमी होती है, यानी कि ऋण आवेश में क्या आवेश में यदि यह कमी हो रही है, यहाँ की यहाँ पर आप क्या करेंगे, धन आवेश में, धन आवेश ही कहेंगे कि कमी हो रही है, क्योंकि धन आवेश के आधार पर, तो
तो ये धन आवेश में कमी हो रही है, इसका मतलब ये अपचयन है। अब मैं आपको बताता हूं, यदि -3 से -4, -4 से -3 आएंगे तो कैसे आएंगे? एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यानी कि यहां -1 इलेक्ट्रॉन होगा तो -4 से -3 होगा। इसी तरह से यहां इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तभी तो जा, यहां फिर उसी प्रकार से इसी श्रेणी में माइनस इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अभी जीरो आ गया, जीरो से प्लस कैसे होगा? इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा। +3 से -4 कैसे होगा? -1 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा। इस ऊपर वाली स्ट्रक्चर में जो हम दाएं से बाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, और इस अवस्था में +4 से +3 क्यों होगा? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो +4 का 3 हो जाएगा। यहाँ -1 से यहाँ और यहाँ -1 से -2 कैसे हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। यहाँ -3 से -4 कैसे हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। तो नीचे हम इस साइड में जब चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, और ऊपर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन घटते हैं, और इस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन को ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं इनको सोल्व करने की कोशिश करता हूं। CA डबल पॉजिटिव कैसे हो गया होगा? अर्थात उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे। तो यहां पर आप कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे? -2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सोचो कि कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण। तो कौन सी हो जाएगी भाई? इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। यहां Fe ट्रिपल पॉजिटिव से Fe डबल पॉजिटिव हो गया। Fe ट्रिपल पॉजिटिव से Fe डबल, एक पॉजिटिव गया तो एक पॉजिटिव कैसे होगा जा सकता है कि एक नेगेटिव उसमें जुड़ा होगा। तो फिर यहां आप क्या करेंगे? +1 इलेक्ट्रॉन करेंगे, और +1 इलेक्ट्रॉन आते ये क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, त्याग रहा है? ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करने का मतलब अपचयन। यहां पर आप क्या लिख देंगे? इसको अपचयन लिखेंगे, अपचयन। और अब यहां S और S डबल नेगेटिव, फिर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। अब मैं ज्यादा एक्सप्रेस, तो फिर आप क्या कहेंगे? इसको अपचयन। और यहां से MnO4 1 नेगेटिव पर मैग्नेट से मैग्नेट बना, यहां 1 नेगेटिव है और यहां डबल नेगेटिव है, तो फिर क्या हुआ? यहां पर फिर +1 इलेक्ट्रॉन आया, तो ये भी अपचयन है। ये भी क्या चीज है? अपचयन है। यहां Fe(CN6) ferrocyanide -4, यहां ferricyanide -3, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो रहा है, एक चार्ज कम हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। आशा करता हूं आप मेरी बातों को समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन में कमी या ज्यादा था उसको। अब आप इसको देखिए, 2 Hg डबल पॉजिटिव है, Hg2 डबल पॉजिटिव है। यहां ये Hg अलग अलग है, 2 Hg का मतलब ये Hg अलग है और ये Hg अलग है, इससे भी डबल पॉजिटिव, ये भी डबल पॉजिटिव। यहां 2 Hg है, यहां पर भी 2 Hg है, लेकिन ये Hg इस तरह से है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसके ऊपर कुल चार्ज इस तरह से। यहां 4 पॉजिटिव है, यहां कितने पॉजिटिव है? 4 पॉजिटिव है। यहां इनके ऊपर एक 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 करके 2 ही पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे, तो यह भी क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाएगी, अपचयन। ये अपचयन चय और ये को मिला देता हूं तो अपचयन कहलाएगी। और ये फिर बोलो, 3 से 1 हो गया, यानी कि +2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको फिर आप क्या बोलेंगे? अपचयन। और Cu2 से डबल पॉजिटिव, तो यहां पर वही बात होगी जैसे ये बताया था मैंने, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 1 Cu। यदि मैं इसको बराबर करेंगे, 2 Cu करूंगा, तो 4 प्लस हो जाएंगे, इसका मतलब -2 इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीकरण।
और ये ऑक्सीकरण यहां MnO4 डबल फोर से माइनस फोर हो गया, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये क्या चीज है, ऑक्सीकरण। और ये क्या, I2 से I नेगेटिव प्लस 2I नेगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे, तो ये क्या कह दिया, अपचयन। ये क्या कह दिया, अपचयन कह दिया। तो इस प्रकार से आप इन क्रियाओं को इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने के आधार पर, इस कोई भी अभिक्रिया न्यू टाइप में आ जाए आपके, निम्न अभिक्रियाओं से कौन सी अभिक्रिया अपचयन होने वाली है, तो आप इससे देख करके बता सकते हैं कि कौन सी क्रिया ऑक्सीकरण होता है, कौन सी क्रिया होती है। लास्ट में ऑक्सीकरण और अपचयन तो बता दिए मैंने, अब मैं आपको लास्ट में एक चीज और बताना चाहता हूं कि अपचायक और ऑक्सीकारक क्या कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचायक और ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक जैसे मान लो अब आपको ये कह दिया जाए कि इस केस में 2Na प्लस Cl2 में 2NaCl बन गया, और यहां आपसे पूछा जाए कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, ऑक्सीकारक, तो यहां मैं लिखता हूं ऑक्सीकारक, और यहां लिखता हूं अपचायक, अपचायक, यहां मैं लिखता हूं ऑक्सीकरण, यहां मैं लिखता हूं अपचयन, अपचयन। ये तो अभिक्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण और अपचयन तो क्या चीज है, अभिक्रियाएं हैं। ऑक्सीकारक और अपचायक ये क्या चीज है, पदार्थ है, पदार्थ है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखें, हम ऑक्सीकरण में क्या होता है, ई त्यागना, अपचयन में क्या होता है, ई ग्रहण करना, बताया मैंने। अब यूं बताओ कि पदार्थ को इसका, इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, यहां मैंने बताया था कि ये Na पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाए, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, सोडियम का, सोडियम का ऑक्सीकरण होता है। अपचयन किसका हो रहा है, क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, अपचयन। तो क्लोरीन यहां पर किसका काम करती है, क्लोरीन यहां पर किसका काम करती है, यहां पर मान लो ये Mg है, 2Mg है प्लस O2 है, 2MgO है, तो यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है मैग्नीशियम, तो ऑक्सीकारक कौन है यहां पर, यहां पर तो आपको ऑक्सीजन का पता लग गया ना, ऑक्सीजन ऑक्सीकारक है, और ऑक्सीकारक क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ, पदार्थ यानी पदार्थ का मतलब यहां पर तत्व, तत्व का मतलब परमाणु, उसका परमाणु या तत्व, जो भी पदार्थ, जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। उल्टा है, जो अरे ये त्याग है, जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसको ग्रहण करने वाला, यदि ग्रहण करने वाला नहीं होगा तो त्यागेगा कहां, इसलिए ग्रहण करने वाला मौजूद होना चाहिए, क्लोरीन मौजूद है तभी तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लोरीन क्या काम कर रही है, ऑक्सी क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, इसलिए यहां क्लोरीन क्या चीज है, ऑक्सीकारक पदार्थ है। और उसी प्रकार से सोडियम क्या होगा, अपचायक पदार्थ, क्यों, कि सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो अपचायक कौन होते हैं, ई त्यागने वाला, त्यागने वाला,
इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाला अपचायक और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला आक्सीकारक, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आक्सीकारक इसमें से अब कोई भी समीकरण दे दे, इसमें कह दिया जाए कि कौन ऑक्सीकारक है, तो क्लोरीन ऑक्सीकारक है। कौन ऑक्सीकारक है? क्लोरीन ऑक्सीकारक है। तो आशा करता हूं कि आप इसकी मूल जो आधुनिक धारणा है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, ग्रहण करने की, इसमें आपकी छोटी मोटी कोई समीकरण आती है तो कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकारक है, कौन सी अपचयन वाली अभिक्रिया है, और कौन सी क्रिया ऑक्सीकरण की है, ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है और अपचायक पदार्थ कौन है, ये मैंने बता दिया है। आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से समझे होंगे मेरे वीडियो को ध्यान से। ये छोटी सी बात 5 मिनट में बता सकता हूँ, मैंने बताने के लिए आधा घंटा ले लिया आपका, आधा घंटा लिया है, ज्यादा ले लिया होगा, कह नहीं सकता कितना टाइम दिया है, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसलिए मेरा ये वीडियो आप अपने दूसरे अन्य साथियों को भी बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके दूसरे साथी भी लाभान्वित हो सके और मुझे भी पता लगे कि मेरे कितने विद्यार्थी मेरे वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।